तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती है। लेकिन जब राजनीति के गलियारों में या राजनीतिक गलियारों में कुछ तस्वीरें वायरल होती है तो वो ना सिर्फ कुछ बयान करती है बल्कि कुछ अटकलों को और हवा दे देती है। तो इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तस्वीर हवा दे रही है उन खबरों को जिन पर हमने उस वक्त ही आपको बयान दिया था जब चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में और शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं की गई थी। तस्वीर दो ऐसे दिग्गजों की है, एक है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो दूसरी तरफ है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये दोनों दिग्गज एक दूसरे से मिले। अचानक कल देर रात शिवराज सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ से मिलने क्यों पहुंचे? ऐसी क्या वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को अचानक बिना शेड्यूल के देर रात योगी आदित्यनाथ से मिलना पड़ा? इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लोगों को जोड़े रखने के इस काबिलियत पर भरोसा करती है और आने वाले चुनावों में शिवराज सिंह चौहान को एक अहम जिम्मेदारी दे सकती है। अब वो जिम्मेदारी क्या होगी? वीके न्यूज पर हमने कई बार कहा कि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठा सकती है। लेकिन उसके अलावा क्योंकि सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से ही मिलती है, देश में जो भी सरकार में आएगा हिंदी भाषी राज्यों में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला अगर कोई राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनसे देर रात मुलाकात की है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो ऐसे में इन दोनों की मुलाकात के मायने क्या है जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है? इसका मतलब यही लगा रहे हैं अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें, अगर राजनीतिक पंडितों की बात करें, तो उनका भी मानना है कि आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वो इस चर्चित, इस फेमस चेहरे का लाभ उत्तर प्रदेश में भी लेना चाहती है। 2024 में अगर बीजेपी जो है अपने 450 के टारगेट को पूरा करना चाहती है तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी ने ये तो तय है कि एक रणनीति बनाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी राजनीतिक दल है जो बिना नीति के कभी मैदान में नहीं उतरती। अब जब नीति तैयार है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ये मुलाकात शिवराज सिंह चौहान की बहुत कुछ बयां कर रही है। अचानक शिवराज सिंह चौहान लखनऊ पहुंचे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। जितने भी जानकार हैं, जिम्मेदार हैं, उनका ये मानना है कि शिवराज सिंह को लोकसभा चुनावों में यूपी की जिम्मेदारी देकर चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के कई नेताओं को पार्टी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। शिवराज अभी तक किसी भी जिम्मेदारी पर नहीं है, ऐसे में शिवराज की सीएम योगी से मुलाकात काफी अहम है, काफी मायने रखती है। ये भी अगर हम कहें कि जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, सरकार बनाते ही, फैसले आते ही शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए थे। उन्होंने सबसे पहले जहां जहां वो हारे वहां यात्राएं की, वहां के नेताओं से मुलाकात की, वहां के लोगों से मुलाकात की और वहां भी उन्होंने आभार रैली निकाली। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बार बार एक बात कही थी कि वो इस बार मध्य प्रदेश में मिशन 29 चला रहे हैं। और मिशन 29 क्या है? मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, पिछली बार 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, एक जो है वो रह गया था मोती, और वो मोती था खुद नकुलनाथ की सीट, यानी कि कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट। छिंदवाड़ा पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाई थी लोकसभा में। तो इस बार शुरुआत जो चुनाव प्रचार की थी शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा से ही की थी और वहां से ये कहा था कि उन्होंने ये प्रण लिया है कि वो 29 मोतियों की माला जो है वो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे। अब वो 29 मोतियों की माला पहनाने की तैयारी के साथ साथ ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि उत्तर प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को जो है वो जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक और कुछ दिनों पहले एक केंद्रीय मंत्री का बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन लोगों के मुंह पर जल्द ही ताले लग जाएंगे जो कहते हैं कि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को साइड कर दिया है। इस एक बयान का भी काफी मायने निकाले गए और इसके कई अंदाजे लगाए गए। लोगों ने इसे ऐसे ही जोड़कर देखा कि नड्डा का जो कार्यकाल खत्म होगा वो एक जगह खाली हो रही है, आगामी चुनाव जो है वहां भी इन्हें कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी सौंप सकती है। लेकिन इसी बीच लोग ये भी कयास लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इन सब कयास, इन सब बयानबाजियों के बावजूद जो एक तस्वीर है आज, इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई जो लोगों की सोच है वो आज बदल जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह चौहान की ये अहम मुलाकात बेहद मायने रखती है। इस मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने खुद एक ट्वीट किया और इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स पर ये लिखा कि उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, देर रात उन्होंने मुलाकात की। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये आने वाले समय में ही साफ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि चुनावी साल है और बड़े राजनेता जब मिलते हैं तो उसके पीछे जरूर कोई रणनीति होती है, और वो रणनीति क्या है ये आने वाले समय में जरूर साफ होगी। लेकिन तब तक आपको क्या लगता है, शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।